सभापति महोदय, हम कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। जो बातें रखी गई है बजट में, उस पर चर्चा बहुत काफी अभी हो रही है, होगी आगे भी, और माननीय मंत्री महोदय भी जवाब इसका देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कृषि जमीन से जुड़ा हुआ चीज है, भूमि से जुड़ा हुआ चीज है। अगर भूमि का ही सही वितरण नहीं हुआ है तो किसानों का लाभ क्या मिलेगा, किसको किसान कहा जाएगा। अभी एक साथी बोल रहे थे बटाईदारी के बारे में, लेकिन गरीब किसान, मजदूर किसान और मध्यम किसान, धनी किसान और जमींदार भी हैं यहां। तो हम चाहते हैं कि कुछ खाका जो रखा गया, सुशासन और न्याय की सरकार, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, उसका नमूना जो हमारे पास आंकड़ा है, मैं बताना देना चाहता हूं कि किसका किस पर जमीन पर कितना कब्जा है, किनकी संख्या कितनी है, क्या रखा गया है। देश में ब्राह्मण की संख्या 1.1 है और जमीन का मालिक है 5.4। छत्री का संख्या है 4.7 और जमीन का मालिक है 75.1। और वैश्य का संख्या है 5.4 और जमीन का मालिक है 9.2। ये तीनों मिला के जमीन का मालिक कितना हो गए, 89.7। अब सोच लीजिए व्यवसाय पर इनकी कितना कब्जा है। ब्राह्मण की व्यवसाय पर है 12.4 और छत्री का संख्या जो है कब्जा 21.2 और वैश्य का है 63.2, मिला के हो गया 96.8 व्यवसाय का मालिक यही हो गए। और फिर आइए नौकरी में, तो 61.0 ब्राह्मण है नौकरी में। अरे कृषि वही पर मैं बोल रहा हूँ, हड़बड़ा कह रहे हैं। और छात्री का संख्या है 4.7 लेकिन नौकरी में है 11.3। वैश्य का है संख्या है 5.4 और नौकरी पर कब्जा है 13.4, मिला के हो गया 86.3। और स्वर्ण जाति के 10% आरक्षण ले लिए तो 10% आउ हो गया, तो 96.3 नौकरी व्यवसाय और जमीन का मालिक मुट्ठी भर लोग हो गए। बाकी किनके जिम्मे दिए, बजट में जो आई है बात, अनुदान देंगे, किसको अनुदान दीजिएगा। ठीक सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं राजनीति में 77.4, शिक्षा में 77.4 है शिक्षा में, राजनीति में 62.4 और संख्या है कुल मिलाकर 13.2। सभापति महोदय, अब इस तरह का सुशासन और न्याय रहेगा, जिसको दुशासन और न्याय कहना गुनाह होगा, कैसे होगा। और सबका साथ सबका विश्वास और सबका आप विकास करा देंगे, जब ये अन्यायपूर्ण जमीन का ही वितरण है कैसे होगा। आपने क्रांति कोची कर्जी कर दिया, आपने बहुत चीज किया है, आपने पीली क्रांति किया, आपने नीली क्रांति किया, भूरी क्रांति किया, स्वर्ण फाइबर क्रांति किया, गोल्डन किया, लाल क्रांति किया, चांदी फाइबर किया, श्वेत किया, पीली किया, इंद्रधनुषी किया, इसे क्या किसको लाभ होगा। तो जो भी बजट में आया है वो किसको मिलेगा, किसको मिलेगा। मैं सभापति महोदय एक बार जान लीजिए, अगर इस तरह के न्याय को कहते तो अन्याय किसको कहेंगे। और हमने तो देखा इस पर बजट के किताब पर लिखा हुआ था कि सिद्धांतों के बिना राजनीति, परिश्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार और मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो इसमें तो लिख देना चाहिए था, बजट तो तैयार किए वित्त मंत्री कि नाथुराव गौसे के बिना भाजपा होना चाहिए था, वो भी लिख देना चाहिए था। उनकी हत्या हुई, उनकी बातों को रखी गई है तो हत्यारों को भी रखना चाहिए। मेरा कहने का मकसद है कि अगर यही आपका सामाजिक न्याय है, और मैं समझता हूं हम भी पहाड़ पर रहे हैं और नीचे भी रहे, संघर्ष हम लोग भी किया है, और ललन जी रख रहे थे, माननीय सदस्य ललन जी रख रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस किस पे के पक्ष में है। और मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जितना अनुदान मिलेगा किनको मिलेगा, कितना परसेंट, जब सब वही लोग के है कब्जा, तो बचा क्या।
यही कारण है कि इधर लोग ना ताके और सत्ता और प्रशासन पर मेरा कब्जा कायम रहे और ये लोग हमारे गुलामी करते रहे। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये बजट 16 आना 10 रुपए के काटने की क्या मैं बता दूं, जो भी पैसा गया है इसे बजट में आना चाहिए, कितना बजट पास हुआ और कितना इसमें खर्चा हुआ, बचा तो क्यों बच गया, उसका दोषी कौन है, और नीचे गया तो जमीन पर गया कि नहीं, बीच में कौन लूट गया, उसके खिलाफ भी बजट में आनी चाहिए बात। लेकिन ये बात नहीं आती है। बात आती है क्या, हम लोग ईमानदारी से माननीय सदस्यगण, हम तो बहुत दिन से सुन रहे थे, हम बोलते नहीं थे, डरे कि मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर यही धर्म है, यही न्याय है, यही सुशासन है, तो हम तो पूछना चाहेंगे कि अन्याय किसको कहेंगे, कुशासन किसको कहेंगे। और अगर यही विषमता मूलक आपका संबंध बंटवारा रहेगा तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसी को कहा जाएगा। और बार बार बोला जाता है कि जेल में चले गए, माननीय सदस्य तमाम लोग मौजूद हैं, वही जेल जाने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाने वाले भी हैं, और आज के मुख्यमंत्री बनाया हुआ मिल गया तो आप बोलते हैं कि जेल में, जरा सोच लीजिए तो कलेजे पर हाथ रख के, कि अगर नहीं बनाए रहते तो बीजेपी वाले माननीय सदस्य क्या चाहते, मंत्री बनते आज, वो भले पलट गए। लेकिन मेरा कहना है ये साफ शब्दों में कि अगर इसी तरह से आपकी राजनीति चलेगी इस देश में तो 72 वर्ष नहीं, हमने सुना था कि लोग प्रजातंत्र द्वारा प्रजा के लिए प्रजा की सरकार, अब तो ये कहना होगा प्रजा द्वारा प्रजा को लूटने के लिए प्रजा की सरकार आपने बना दिया, ये परिभाषा आपने बदल दिया, ये परिभाषा आपने बदल दिया लोकतंत्र के, लोकतंत्र का यही जनाजा रहेगा, यही तगाजा है लोकतंत्र का, यही लोकतंत्र के हम लोग रक्षक हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसी की आलोचना करने से पहले अपने गिरबान में झांके कि हम कहां के शिकारी हैं। और आदरणीय नेताजी को आप लोग बोला करते हैं, आज जीवित है, जिन लोगों को उधर पूछ हो रहा है उनको ही खिलाफ में पूछ हो रहा है, अगर वो नहीं रहते तो उधर उनका सीट भी नहीं मिलता, मतलब तोड़ने का काम ही नहीं। तो नेता हमको कैसा चाहिए, गुलामी वाला चाहिए, हुकारी भरने वाला चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हमको लगता था बोलने में कि हम लोग हिचकते थे कि बोलने में किसी को ये चीज आई बात, हम और रखना चाहते हैं। आपने कहा कृषि मनुष्य का सबसे स्वास्थ्य पर्द, सबसे उपयोगी और सबसे नेक रोजगार है, इजाज वाशिंगटन लिखे हैं, आपका सर्वे किताब में लिखा हुआ है। कृषि बिहार जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुख्य सहारा है, जो उनकी खाद्य सुरक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास को सहारा देती है, यह 3/4 से भी अधिक आबादी को सहारा देती है, रोजगार पैदा कराने के अलावा यह उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है, खाद्य आपूर्ति में वृद्धि करती है और गरीबी निवारण में सहायता करती है। क्या इसी विषमता मूलक बंटवारा जमीन का अब कृषि का रोडमैप बना रहे हैं? आप बनाइए जमीन का वितरण का रोडमैप, तब आपको पता चलेगा कि हम कहां रहेंगे, वो आप कहां रहेंगे। रोडमैप बनाइए, जमीन का वितरण का पहले बनाइए। हम खेती करना जानते नहीं है, कोई खानदान उनका खेती नहीं किया, सबसे ज्यादा खेत के मालिक है, हम समूचे खेत पूर्वज से आज तक खेती करने आ रहे हैं, हमको एकदम मालिक नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इसी तरह से विषमतामूलक जमीन का बंटवारा, नौकरी का बंटवारा, शिक्षा का बंटवारा आपने क्या नहीं किया, निजीकरण कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया बिना संशोधन के, निजीकरण कर दिया आपने, सब खत्म कर दिया। जब मंडल आयोग को लागू कर रहा था 40 वर्ष लगा, वही आधा अधूरा मिला, और 10% का हुआ तो 10 मिनट में हो गया और लागू भी हो गया। तो मेरा कहने का मकसद है कि अगर ये आपकी भंडाफोड़, अगर इसको आपको चुनौती देना है तो दीजिए, हम तैयार हैं। आरएसएस का एजेंडा कुछ और है, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ का एजेंडा और है, और बीजेपी का एजेंडा और है, कुल मिलाकर यही है कि हम मुट्ठी भर लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी जो राज करते आए हैं, शासन और प्रशासन और सत्ता पर कब्जा उत्पादन के साधन पर रहे और तमाम लोगों में फूट डालकर आप राज करना चाहते हैं। अगर जिस दिन पर्दा खुल गई, और खुलने वाली ही है, इसलिए सही और गलत का कसौटी व्यवहार होता है। अपना पहचान और इतिहास को हमने मिटाया, आपने नाम कब नहीं बदला, द्रविड़ से कह दिया दास, दास से कह दिया अनार, अनार से कह दिया दानव, दानव से कह दिया असुर, असुर से कह दिया अवर्ण, कितना नाम बदले हैं। आप बदलिए, नाम बदलना ही चाहते हैं तो बदलिए। हिंदू शब्द नहीं था कभी, कोई किताब में आपने नहीं लिखा है।
अगर लिखा है तो फारसी शब्द में है, किताब में आपका धार्मिक में नहीं है, वो भी नाम बदल दीजिए कि हम हिंदी संस्कृत में क्या कहेंगे, वो भी नहीं नाम बदल, अपना नाम बदला यार, फिर देव, फिर सूर, फिर सवर्ण, सवर्ण में तीन पाठ कर दिए, वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और तीनों शक्ति ले लिए, ब्राह्मण को दे दिए मठ के गति बौद्धिक शक्ति ले लिया, राजगति क्षत्रिय को दिए राजनीतिक शक्ति ले दिया, और वैश्य को दे दिया सेठ की गति और धन की शक्ति ले लिया, दौलत के ले लिया, हम लोग के क्या बचा, हमको शूद्र के रूप में बांटा तो सेवा के गति दिया कि हमको सेवा करके जीवित रहो, और इसी को बात कहते हैं। मनुस्मृति में आपने लिख दिया कि सारा संसार देवता के अधीन है, और देवता मंत्र के अधीन है, और मंत्र जो है ब्राह्मण के अधीन है, इसी धरती पर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण देवता हुआ। आपने लिख दिया कोई पाप काम करे, कोई काम करे गलत, अन्याय करे, उसको सजा नहीं होगा, यही मनुस्मृति आप लाना चाहते हैं। और जहां संविधान में रुकिए, मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं सभापति महोदय, अगर इस तरह से सबका कब्जा आप ले लेंगे आज, तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे सभापति महोदय आपके माध्यम से, कि ये बजट जो आया है सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का फायदा के लिए आया है, बाकी लोगों को नुकसान में आया है, और मैं समझता हूं कि 10 रुपया इसको काट के प्रस्ताव को पास किया जाए, और नहीं तो जो फिर अन्याय हुआ है अभी तक जारी रहेगा, इसको बदला जाए। अब राजनीति बदलने वाली है तो करवट लेने वाली भी, ये बड़ा मेरा कहना है। हमने एक और चीज आप लोगों को कह देना चाहते हैं, मैं सभापति महोदय, हम बड़ी गौर से पढ़ रहे थे और सुन भी रहे थे, और जन गण मन अधिनायक के जय भारत भी रहा था, राष्ट्रीय गान को भी हमने सुना भी है। मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब जब तो स्वागत गान गीत को ये क्यों रखा गया राष्ट्रीय गान में, क्यों रखा गया राष्ट्रीय गान में? तो मैं कहा, अगर प्रथम गवर्नर भी बने तो यहाँ के लॉर्ड बेंटन बने आजाद भारत का, वो चले गए, हम आपके आज तक गुलाम रह गए, और यही चाहते हैं कि लोकतंत्र में भी हमारा वोट कम है तो कैसे वोट मेरे पास आओ, आपस में लड़ा दो और हम ले लें। आपने क्या किया, हमारे साथ क्या किया है, हमारे पूर्वजों को पैर में झाड़ू बांधने का काम किया, गले में टहरी बांधने का काम किया, और पुष्पमित्र सिंह ऐसा आदमी 60,000 बोधिष्ठों को कत्लेआम किया जो सत्य हिंसा का नारा चलने वाले थे। जब महात्मा गांधी सत्य हिंसा के नारा पर आजादी लेने का काम किया, आप उनको हत्या कर दिया, कैसे बात है? और आज आप लिखते हैं इसके बिना ये नहीं, आपका सिद्धांत यही है। अगर ये सिद्धांत है तो हम आप लोगों से कहना चाहेंगे सभापति महोदय आपके माध्यम से, लोकतंत्र में जब सब हम भ्रष्ट हो जाएंगे तो बचेगा कौन? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया भी, तो क्या होगा? आज देख रहे हैं भारत में क्या हो रहा है। अब क्या चाहते हैं कि भारत में जनता लड़ती रहे? एक भी लड़ाई में आप कहीं शामिल नहीं होते हैं। हम महसूस करते हैं इस बात को, लड़ जाता है वो लोग व्यक्ति जो बेचारा हमारा पूर्वज बना मुसलमान, जो बड़ा सिख ईसाई बौद्ध कैसे बना, आपके अमानवीय व्यवहार के कारण बना, बौद्ध बना तो आपके अमानवीय व्यवहार के कारण, सिख बना तो आपके अमानवीय व्यवहार के कारण, और मुसलमान भी बना था मेरा पूर्वज आपके अन्याय के कारण। जिस बात को कहते कि अन्याय, 131 एमपी हमारे हैं दलित और आदिवासी से रिजर्व करके गए हैं, रिजर्व सीट से एक आवाज नहीं निकालते हैं, क्या बात है? कोई मंदिर में मुख्यमंत्री चले जाते हैं तो आप उनको धोना शुरू कर देते हैं, क्या अजीब बात है? आप पद देना चाहते हैं, प्रतिष्ठा देना नहीं चाहते हैं, और वो बेचारे आपके वकालत करते हैं। हम तो वकील को देखते हैं बहस करते हुए सभापति महोदय कोर्ट में कि फीस मिल गया तो मेरा वकील एकदम निर्दोष है, अगर फीस उधर से फीस मिला तो कहा कि पैसा ही है, तो हम लोग वकालत ना करें। विपक्ष और विरोधी का मतलब है, लिखा हुआ है साफ शब्दों में, राजनीतिक दल राष्ट्र निर्माण के साधन है, साध नहीं है, तो हम लोग साध बनने का काम करें, जो लक्ष्य मिला है हम लोग काम वो करें, और नहीं तो हम भ्रष्टाचार में गोता लगावें और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का कमेटी बनावें। हमारे माननीय मंत्री जी गए थे, हमारे प्रभारी मंत्री विनोद कुशवाहा जी, और हमारे अरवल में प्रभारी मंत्री हैं, एक बार सभा कक्ष में मीटिंग हो रही थी, किसी ने कहा कि इंदिरावास में लूट हो रहा है, किसी ने कहा कि मनरेगा में लूट हो रहा है, चटनी ने कह दिया कि जांच कमेटी बैठाई जाए, तो मैंने कहा कि माननीय मंत्री महोदय ये भी एगो जांच का विषय है, और तो क्या हम एकरा में जे ना लूट ले होगा वो मेंबर बनेगा तब न सही नहीं जाटेगा, तो फिर लूटेगा ये लोग,
क्या है आपका भ्रष्टाचार? गंगोत्री है, जब गंगा जल सूदे था तब बिसलेरी बोतल के कारखाना क्या खड़ा किए थे? और सब देवता आपके पहलवाने थे तो बॉर्डर पर सिपाही रखने की क्या जरूरत है? गरीब जब हथियार उठा ले अपने रक्षा में, आपके व्यवस्था में न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग झेले हैं, तब हो गया उग्रवादी, अब आप शायद जय श्री राम करके तलवार भेंट कराते हैं, बॉर्डर पर जाइए ना, भेंट कला कराते हैं, तब हो जाते हैं राष्ट्रवादी, तब हो जाते हैं आप राष्ट्रवादी। वाह रे राष्ट्रवादी के परिभाषा, वाह, आप भी सनातन धर्म, आप भी वैदिक धर्म। सिंधु घाटी के सभ्यता आपने नाश कर दिया, जहां मानववाद था, प्रेम और दया था, राजा प्रजा एक था, भाग भाग स्वर्ग नरक की मान्यता नहीं थी, और उसको आपने बर्बाद कर दिया। अब बर्बाद किसको करना चाहते हैं? अब लोग सचेत हो गए हैं, जानकार हो गए हैं, जिस दिन इतिहास को जान जाएंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, फिर जगह नहीं है। अंग्रेज को तो इंग्लैंड भागने का जगह था, आपका कहीं जगह नहीं बचेगा, आपको कहीं जगह नहीं बचेगा। इस बात को समझना होगा। ज्यादा अगर हम बराबर हिस्सा, अगला सरकार हम चाहेंगे, हमारे विपक्षी दल नेता का अगर मौका मिल गया, और मैं समझता हूं कि मिलने वाली है, तो मैं कहता हूं कि जितनी हिस्सेदारी है, जितनी जिनकी भागीदारी है, सबको बराबर हिस्सा में सरचित्र वितरण करने की बात की जाएगी। आप कहां से नौकरी देंगे? सब तो ले लिए थे, देंगे किससे, किसको देंगे? इसलिए इसको समझना होगा। और नहीं समझिएगा, मैं किसी को द्वेष भावना से नहीं बोल रहा हूं। मैं विधायक बना हूं, मैं आज तक मैं बोला कि मैं जीत गया हूं। मैं जानता हूं इस बात को कि माता पिता से बड़ा कोई औलाद नहीं हो सकता है, पति चाहे जितना बड़ा पाले, और जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, वार्ड मेंबर हो चाहे पार्लियामेंट बड़ा, पति चाहे जितना बड़ा, मतदाता से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। जिन्हें अगर ये समझा तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा, जीत गए तो क्षेत्र के हो गए, और सब जनता अगर वोट दिया उसका भी, नहीं दिया उसका भी, हम विपक्ष हैं, भले हमारी भी बात सुनी जाए, अगर नहीं सुनी जाती है तो फिर सरकार का अंग ही है विपक्षी। ये तो आपने समाप्त कर दिया, कितना बढ़िया बढ़िया शब्द लिखा हुआ है, इस पर कभी अमल हम लोग करते हैं? अगर नहीं करेंगे तो क्या दशा होगा? सभापति महोदय, इसको लिखा हुआ काहे ला लिखा हुआ है? हम लोग क्या करते हैं धरती पर जाके? मैं कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, माननीय मंत्री महोदय हमको बता दीजिए, आपका निधि में भी कमीशन चलता होगा, आप रोक दीजिए होंगे? नहीं रोके होंगे, मैं जानता हूं कि नहीं रोके होंगे। हाँ, तो कोई बताते मिसाल कि हम लोग दिए हों? अभी मैं कहना चाहूंगा आप लोग को सच्चाई बात, कि हम लोग यहां बोलते हैं, जनता सुनते तो कहते कि बता भाई यही बात गड़बड़ करिए, दूसरा कहीं जा रही, ये जनता मूल्यांकन करती है। हम लोग महसूस करें कि हम किसी को मान सम्मान दे रहे हैं, हमको मांगना नहीं है, हमको मान सम्मान बाजार में नहीं मिलेगी, हम देते जाएंगे, लोग देते जाएंगे। यही अगर चरित्र रहा आप लोगों का कि जनता के साथ धोखा करना, तो निश्चित तौर पर हम तमाम लोग उसके शिकार होंगे। यही कारण है कि विचारों के परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, तो सिर्फ सत्ता बदलने से लुटेरे बदल सकते हैं, लेकिन लूट से वंचित जनता नहीं होगी। अब बारी आ गया कि लूट से बचाना होगा, अब नहीं तो आपका बेकार हो जाएगा सब। सत्ता बदलने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक चरित्र वाचन नहीं बदलिएगा। इसलिए अगर जनप्रतिनिधि जो काम, अरे रुकिए आप, मैं जानता हूं आप हमको बता, अरे आप, मैं बता रहा हूं आपको, आप समझ सुन लीजिए। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछा हूं, मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर राजनीति चरित्र को बदलना होगा, हम तमाम लोग को बदलना होगा, आप लोग भी बदलिए, देश के नागरिक हैं, तो प्रेम और दया और मानवता रखिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर ये धर्म नहीं है, यहां लुटेरा भी धार्मिक बारे, बेईमान भी धार्मिक बारे, भ्रष्टाचार भी वो भ्रष्ट है, वो भी आदमी धार्मिक, तो अधार्मिक किसको कहेंगे? सब तो वही है, तो हम किसको कहेंगे अधर्मी? तो हम लोग नवादा लिए धर्म का, और काम कीजिए कुकर्म का, धरा जाएगा स्पॉट पर तो जनता फरियाद देगी। इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा यार, मैं चाहूंगा आपसे बोलवाइएगा तो बड़ी ज्यादा बोला जाएगा। तो अगर मानवता आप में नहीं है तो आप धार्मिक नहीं है। प्रेम और दया के अलावे कोई मानवता नहीं ला सकता है। इसलिए सवाल यही सीधा सीधा है, अगर आप नहीं समझेंगे तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, हम लोग के इलाके में ही आते हैं, हमारे माननीय प्रेमचंद बाबू हमारे नेता है, कृषि मंत्री हैं, ये भी एक बार गए थे लोधीपुर में कृषि फार्म में। मैंने कहा था इस बात को, यहाँ जितने किसान को अनुदान मिल रहा है, मैंने कहा था कि ढांचा फरियर खाद के लिए भेजते हैं, अब मिलता कब है?
जब रोहन खत्म हो जाए तब, और जोताएगा वो कब, 45 और 50 दिन के बाद होगा तब हरा खाद होगा। न आप बढ़िया से सिंचाई प्रचुर मात्रा में देते हैं, न समय पर देते हैं, न बीज देते हैं, न शुद्ध धान मिलता है, कोई चीज का आपका नहीं है, नहीं है किसान। तो जहां भी है, तो मेरा कहने का मतलब है कि धागा लपेटने से, टीका करने से, घंटी बजाने से कोई धार्मिक नहीं बना। बदलना है तो अपने गिरवान में झांकिए कि हम मानव है कि तब, मानवता है कि नहीं, नैतिकता है कि नहीं। काहे ले लिखे थे इतना, गांधी जी ने ये कहा था, आप यही काम कर रहे हैं ना, ना इसमें गांधी जी ने जो कहा था यही बात कहा था, तो आप यही कर रहे हैं। सचमुच भी इसको किताब पर पढ़ के देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है, अंदर भी लिखा हुआ है। हम लोग करते क्या है, लिखल के विपरीत अगर चलेंगे तो कितना दिन आचरण, मैट्रिक क्लास नहीं, एमएससी फर्स्ट डिविजन से पास कीजिए, टॉप क्लास से पास कीजिए, लेकिन विचार आचार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब हो जाएगा तो सब सर्टिफिकेट बेकार हो जाएगा। झूठ बोलना, मैं तो कहा था एक दिन ईश्वर के सब लेके उठ लेते हैं, अगर ईश्वर होते तो पार्लियामेंट विधानसभा कभी भूकंप आ जाना चाहिए था, ओकरे क्रिया खा के लूट जारी है, कैसे होगा, कौन सा हम जानते हैं, मतलब ईश्वर का क्रिया खाते हैं और डरते नहीं है। सब कहते कि सब में ईश्वर वास करते हैं, हम कहा कि रेप किया उसमें भी ईश्वर, और जिसके साथ लड़की जो रेप हुआ उकरो भगवान, भगवान ने कहा रेप करवल करता है वो, क्या मामला है, बाहर बाहर देश बाहे धर्म, पवनिया के मजदूरी न मिले, नचनिया के छूट, हमारे अजीब बात है। हमने अधीश के पद पर बैठे, बेटा के दहेज दे और बेटी के दे, अब दहेज विरोधी केस का फैसला भी देखे, बाहर दे, ऐसा होगा तो क्या होगा। हम माननीय विधायक शपथ लिए थे, दारू नहीं पिएंगे ना पीने देंगे, आप पी के एकदम मस्त होके कह रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, कीजिए ना कार्रवाई, कहाँ कीजिएगा। वो गरीब मुसर भुइया के हाँ, जिसे जीता भी है, उसके पास जीने का दूसरा साधन भी नहीं था, और वो ये जीने का काम को उसको जेल में बंद करते हैं, और जो पूरा स्टोर करते हैं तो वहां हिसाब किताब कितना चल रहा है मैं बताऊं, आप जान लीजिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से बदलिए, और नहीं तो जनता पढ़ रही है, जनता मार्क्स किताब नहीं पढ़ेगी, जनता आपके किताब नहीं पढ़ेगी, आपके व्यवहार से जानेगी बोलता है तो करता है कि नहीं। आप बोलिए कीजिए, झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं चाहूंगा जनता के कसौटी पर खड़े नहीं उतरिएगा, बात वही सही है जो न्याय संगत हो, तर्क संगत हो और व्यवहारिक हो, अगर इसे बाहर होइएगा वो सब बात गलत हो जाएगी। इसलिए बजट जो है, मैं चाहूंगा ये बजट में आ जाए कि जमीन का भी वितरण, भूमि सुधार करके उसको समान रूप से वितरण किया जाए, और नहीं तो उनको मालिक बना दिया जाए, जो जोत के करते हैं उनको खाली बनिहार मजदूर नहीं रखा जाए। हम भी खेती करते हैं, जब आपदा आती है तो रसीद नहीं दे पाता है वो आदमी, तो पैसा वो ले लेता है जो पहले कटकेना पर दिया हुआ था, वो बेचारा वंचित हो जाता है, क्या कीजिएगा उसको। अब मजदूर है, किसान है काम, लेकिन मजदूर है, गरीब किसान अपनों खेती करता है, कुछ आपसे भी लेता है, उनसे भी लेते जो जिनके पास अधिक खेती है, ईमानदारी रखिए। और नहीं तो मैं समझता हूं कि अब धीरे धीरे 72 वर्ष बात हो गई कि लोकतंत्र में अब तक कोई परिवर्तन नहीं है, भूखे जो लोग रह रहे हैं रोड पर, घर बिना, आप कह रहे हैं आहरा पर कब्जा कर लिया है, जिनको बहुत बढ़िया बढ़िया जमीन कब्जा है उनको हटाने आपको मैंने हालत खराब हो जा रहा है, और गरीब को कह रहे हैं और बिना व्यवस्था किए हुए हटाने का काम कर रहे हैं, बड़ी बहादुरी करते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, बहुत कुछ लोग कहते थे कि नक्सली तो समाप्त हो जाता सरकार अगर चाहती पुलिस का, हमने कि अगर वो चाहती तो शोषण भी खत्म हो जाए, नक्सली पैदे नहीं होते, तो चाहना है तो कीजिए, अगर रोकना है तो इसे कीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूं आधुनिक हथियार की जरूरत नहीं है, आधुनिक विचार की जरूरत है, अगर विचार आपने नहीं लाया तो निश्चित रूप हथियार से कब्जा करने का मनसा तोड़ दीजिए। मैं दावा करता हूं आप कहीं नहीं लड़ पाइएगा पब्लिक से, अभी बिगड़ जा रही है। और मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं है, लेकिन हम सभापति महोदय से कहना चाहूंगा, रोड पर जो एक्सीडेंट होता है हम जानते हैं, एक मरेगा तो ना मिलेगा, इसे ज्यादा मरेगा तो उकरा खाली दो चार गो मरे तब मिलेगा, उसको ही परिवर्तन कीजिए, जो है अनुदान सबको दीजिए, इलाज सबको सरकारी खर्चा पर हो, और विकलांग हो जाए तो उसको मदद किया जाए। सोन कमान का सब नहर सीजनली हो गया और बरसाती हो गया, 3 प्रमंडल का 12 जिला सोन नहर से प्रभावित है, अगर नहीं समय पर पानी मिलेगा तो समय पर दाना नहीं डलाएगा बीज का, और समय पर नहीं डलाएगा तो रोपनी भी नहीं होगा।
नहर का पिछला हिस्सा में पानी नहीं पहुंच पाता है, सब बैंक खत्म हो रहा है, इसे पक्कीकरण कराया जाए और बहुत जल्दी से दूध स्तर पर सोन कमांड का जो है इंद्रपुरी बराज में स्टोर बनाया जाए और बांधसागर के से निर्भरता खत्म हो, अपना स्वतंत्र रह जाए। मैं यही चाहता हूं कि अगर बजट में आया है तो कृषि के लिए सिंचाई, कृषि के लिए दवा उपकरण सब आसानी से सस्ता उपलब्ध हो और बाजार उसको नजदीक मिल जाए। माननीय सदस्य श्री श्याम बाबू तो मैं यही चाहता हूं। यादव